हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे और अपने अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। माई सेल्फ जिया मंसूरी एंड यूर वॉचिंग जिया मंसूरीज किचन। आज मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए एक ऐसी वेजिटेबल रेसिपी जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। अगर आप सीरियसली अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका विद इन 15 डेज 15 kg चला जाएगा। अगर आप में फैट है तो डेफिनेटली जाएगा। बशर्ते आपको अपना माइंडसेट रखना है कि हाँ, हमें वेट लॉस करना ही करना है, क्योंकि मैं भी अपना वेट कम कर रही हूँ। मेरा 4 kg वेट बढ़ा हुआ है, तो मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कई बार हो जाता है 3-4 किलो ऊपर नीचे, नीचे तो कभी नहीं होता, खैर ऊपर ही होता है हमेशा, जब भी होता है। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ और जो भी चीज़ें मैं करती हूँ, जिनसे भी मैं अपना वेट स्टेबल रखती हूँ, जहाँ जितना मेरे को रखना होता है, तो वही चीज़ें मैं आज आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि आप सब जानते हैं मेरा कुकिंग से रिलेटेड चैनल है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर करूँ। अगर मेरी वीडियोस के थ्रू किसी की हेल्प हो जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है। और आप सब प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें कि आपका वेट लॉस हुआ या नहीं हुआ, प्लीज़ ज़रूर से बताएं। ना होना तो इम्पॉसिबल सा लगता है, डेफिनेटली होगा, 110% होगा। अगर आप सीरियस हैं खुद की हेल्थ को लेकर, तो आप यहाँ पर उतना वेट लॉस कर सकते हैं जितना कि आप चाहते हैं। और मेरी रेसिपीज़ को लेकर के अगर आपके जहन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि फीका होगा, उबला हुआ होगा, बेस्वाद होगा, तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि मैं अपना वेट लॉस करती हूँ, बहुत ही मज़े में करती हूँ और मज़े में ही आपका वेट लॉस कराऊंगी। तो बिल्कुल भी ये वर्डन ना लें कि मेरी जो भी मैं यहाँ पर चीज़ें बताऊंगी वो बेस्वाद होंगी। बहुत ज़बरदस्त स्वाद होगा, उतना ज़बरदस्त तो नहीं होगा क्योंकि हम डाइट फॉलो कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पर कोई भी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं लेने। तो लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपका पेट भी भरेगा, आपका जहन भी भरेगा, आपका दिल भी भरेगा, आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार हमने कुछ खाया नहीं है और हमें भूख लगी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो बस यही नहीं लगना चाहिए जब भी हम वेट लॉस जर्नी में होते हैं, ये चीज़ें हमें नहीं लगनी चाहिए, बाकी तो सब कुछ चलता है। तो चलिए, बातें तो बहुत सारी हो गई, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये रेसिपी बनाने का प्रोसेस। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कढ़ाई को पहले से प्रीहीट कर रखा था, उसमें मैंने ऑयल ले लिया, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया था। बहुत ज़्यादा नहीं लेना आपको, क्योंकि हम हेल्दी फूड बना रहे हैं ना, तो ज़्यादा नहीं लेना आपको। और यहाँ पर 2 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, छोटी छोटी हरी मिर्चें ली हैं जिनको फाइन चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा अदरक लिया था, थोड़ा सा लहसुन लिया था, उसको मैंने क्या किया, कद्दूकस कर लिया। वो जो छोटा वाला कद्दूकस आता है ना, उससे आपको कद्दूकस कर लेना है, फाइनली आपको कद्दूकस कर लेना है। अगर आपके पास ना हो वो, तो आप ना इसको कूट भी सकते हैं, बट पीसना नहीं है आपको। अब यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिसको भी मैंने ब्राउन फ्राई कर लिया है, देख सकते हैं आप, तो ये भी फ्राई हो चुका है हमारा। अब यहाँ पर मैंने डाली है गाजर, तकरीबन 4 से 5 मैं यहाँ पर छोटी छोटी मीडियम साइज़ की जो गाजर होती हैं वो ली है मैंने, तो वो यूज़ कर रही हूँ। उसको मैंने बहुत फाइन तो नहीं, लेकिन हाँ स्मॉल पीसेस में कट कर रखा है, तो इसको भी हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट। तो ये देखिए, 1 मिनट ये फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं करली फ्लावर, तो ये फूल गोभी, तो इसको भी मैंने छोटा छोटा बिल्कुल नन्ना नन्ना मुन्ना मुन्ना सा कट कर लिया है, इसको भी हमें फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो इसको भी हमें 1 मिनट तकरीबन फ्राई करना है। और हमें ना, हम जितने भी यहाँ पर वेजिटेबल लेने वाले हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनमें से ना सख्त गलने वाली कौन सी चीज़ें हैं। जो भी चीज़ें आपकी सख्त गलने वाली हैं ना, उन चीज़ों को आप पहले डालते जाएँ और 1-1 मिनट का गैप रख लें, 1 मिनट इनफ है। अब हम यहाँ पर मटर डाल रहे हैं, तो मटर हमारी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेती, फिर भी थोड़ा सा हम इसे पका लेते हैं, फिर ये मुंह में इधर उधर भागेगी ना, तो थोड़ा सा हम इसे पका लेते हैं 1 मिनट इसको भी। तो इन सारी चीज़ों को ना आपको ध्यान रखते हुए ऐसे 1 by 1 डालते जाना है और 1-1 मिनट का गैप रखना है और इनको अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो ये देखिए, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों चीज़ें हमने थोड़ी सी मतलब सख्त गलने वाली थी, इनको डालकर अब लिड कवर कर दिया है और इसको 2 मिनट पका लेंगे हम लो फ्लेम पर। तो देखिए, ये 2 मिनट हो गए हैं हमारे, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो 2 मिनट बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगा है और अब हम इसको बिना चलाए यहाँ पर डालेंगे पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पत्ता गोभी लिया है, वो पूरा का पूरा ही ले लिया मैंने। अब इसको ना हम इसमें यहाँ पर टमाटर डाल देंगे, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है मैंने, एक ही लिया है क्योंकि फिर सब्जी को ना ज़्यादा खट्टा नहीं करना, तो एक टमाटर इनफ है। आप अगर ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है इससे। स्पाइसेस मैं ले रही हूँ मैं यहाँ पर 1 teaspoon पेपर पाउडर, 1 tablespoon व्हाइट सॉल्ट,
और 1 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं यहाँ पर मैगी मसाला। तो थोड़ा सा टेस्ट भी तो लाना है ना, टेस्टी भी बनाना है, क्योंकि फिर तो वाकई में ऐसा हो जाएगा फीका फीका सा, उबला उबला सा, तो वैसा नहीं रखना है हमें। हमें थोड़ा सा इसको टेस्टी भी बनाना है ताकि हमें खाते टाइम ना थोड़े से मज़े भी आ जाएँ और थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन भी हो जाए, हाय 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 खा लिया, मज़ा आ गया, बस दिल भी भर गया, पेट भी भर गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो भूख नहीं लगनी चाहिए हमें, फिर कोई हमारे बराबर में बैठ के पिज़्ज़ा खा रहा है या बर्गर खा रहा है या फिर पास्ता खा रहा है, कुछ भी ऐसा वो खा रहा है, तो हमें फिर ये नहीं लगना चाहिए यार हम तो भूखे हैं, हमने तो कुछ खाया ही नहीं, हमें भी थोड़ा सा मिल जाता तो फिर मज़े आ जाते, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने फिर से इसके लिड को कवर कर दिया है और फिर से हमें इसे 2 मिनट पका लेना है। और 2 मिनट देखिए हो चुके हैं हमारे, अब हम फिर से चेक कर लेते हैं क्या बना हमारी सब्ज़ी का। तो हमें इसे इनफ है ये इतना पकाना, बस ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम, क्योंकि हमें इसे ना बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना, सब्जी की तरह नहीं पकाना हमें इसे, क्या है ना ये हमारा ग्रीन वेजिटेबल सैलेड की तरह हमें यूज़ करना है। तो इसको हमें यहाँ पर हाफ हाफ पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ इतना पकाना है कि हमें खाने में कोई दिक्कत ना हो, हम इजीली उसको खा सकें। अगर आप कच्चा खा सकते हैं तो और अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। मुझे थोड़ा सा खाने में प्रॉब्लम होती है, मुझे वॉमिटिंग फील होती है, तो मैं नहीं खा सकती, इसके लिए मैं इस तरीके से इसको यूज़ करती हूँ। तो आपको जैसे बेटर लगे आप उस तरीके से इसको ले लें। कैसी लगी आप सबको मेरी आज की ये हेल्दी वेट लॉस रेसिपी, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। आप वेट लॉस करना चाहते हैं तब भी इसे अपने घर में बनाएँ, और जो लोग वेट लॉस नहीं करना चाहते वो लोग भी इसे अपने घर में ज़रूर बनाएँ। बहुत ही हेल्दी होती है ये और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप सब इसे ज़रूर से अपने घर में एक बार ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप यूँ ही मेरी वीडियोज को लुत्फ उठाते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।